मेरा नाम है राजू और आप देख रहे हैं टेक्निकल वेब सपोर्ट यूट्यूब चैनल। मेरे पास MI का 32 इंच 4A मॉडल का TV है, जिसका रिमोट अभी कुछ दिनों से प्रॉब्लम कर रहा है। इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो बटन है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने कस्टमर केयर से कॉल करके पूछा कि क्या अब इसके बाद क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि हम आपके घर पर टेक्नीशियन भेजेंगे, वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर वो रिप्लेस करना होगा तो रिप्लेस करेंगे, अगर कुछ ठीक हो जाए वैसे ही तो वो ठीक कर देंगे। तो मुझे एक दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला। एक दिन बाद मेरे घर पे टेक्नीशियन आया, पर उसने चेक किया, उसको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है वो है ही कुछ ऐसा, कभी कभी इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला बटन है वो रुक जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, और मैं नीचे कस्टमर केयर का नंबर दे दूंगा, उस पर आप कॉल करके इसे रिप्लेस करवा सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि टेक्नीशियन आया, उसने चेक किया, उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जब तक प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देगी तब तक हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वो चले गए, फिर मैंने दोबारा मतलब चले गए नहीं, मेरा 6 से 8 का अपॉइंटमेंट था, पर वो 5 बजे ही मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ। तो मैंने कहा मैं तो अभी ऑफिस में हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उसको भेज दिया, क्योंकि मेरे घर पे कोई था वो चेक कर लेता, पर उसको उतना नॉलेज नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वो मुझे आने में लेट हो गई, और उसके बाद फिर वो घर पे पहुंच गया, उसने कहा कि सर ठीक है, रिमोट चल रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, उससे उनकी बात करवाई जो टेक्नीशियन मेरे घर पे आए थे, उन्होंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट किया रुकने के लिए, पर वो रुके नहीं, रुके तो फिर मेरे दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट ले लिया। फिर दूसरे दिन मेरे घर पे टेक्नीशियन विजिट हुआ, उसी के दूसरे दिन, तो उन्होंने भी आया, वो कल ही आए थे, आज 20 तारीख है, 19 तारीख को आए थे कल रात में। तो उन्होंने चेक किया, उनको भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। आप बताइएगा इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आप भी ये प्रॉब्लम चेक कर लीजिए, आपके साथ भी हो सकता है TV में। जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं पूरा बिल्कुल नीचे कर दूंगा। नीचे करने के बाद देखिए, राइट हैंड वाला जो बटन है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, एक बार भी रुक नहीं रहा। और जब मैं लेफ्ट वाला बटन यूज करूंगा लेफ्ट जाने के लिए, तो ये कभी कभी क्या होता है, देखिए ये रुक जाता है, ये देखिए अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ पर ये जा नहीं रहा आगे। और यही चीज़ मैं जो टेक्नीशियन आता है अभी भी नहीं गया, टेक्नीशियन को बताता हूँ, वो उनके सामने ये ठीक काम करता है। ये प्रॉब्लम ही ऐसी है कि कभी कभी इसमें प्रॉब्लम होता है, ये देखिए अभी भी ये काम नहीं कर रहा, लेफ्ट वाला लेफ्ट नहीं जा रहा। इसलिए मैंने कहा ये वीडियो पहले बना लेता हूँ, उसके बाद फिर यूट्यूब में डाल देता हूँ, ताकि और भी लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी सेम प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कस्टमर केयर से बात करके। MI का जो कस्टमर केयर है वो बहुत ही ज़्यादा सही है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, कस्टमर केयर रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, पर जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी जो कस्टमर से बात करने की, और मतलब अगर ये रिमोट ख़राब है, प्रॉब्लम है, तो आपको भी चेंज कर देना चाहिए ना। जब पीछे से MI कस्टमर केयर बोल रहा है, मतलब MI सर्विस जो कस्टमर केयर है वो बोल रहे हैं कि ये रिप्लेस हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम है आपको, प्रॉब्लम हो रही है तो ये रिप्लेस होगा, क्योंकि अभी इसकी जो रिमोट की है और TV की है 1 साल की वारंटी होती है, उस बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसको ठीक करके या फिर रिप्लेस करके देते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि ये इसका जो लेफ्ट हैंड वाला बटन है वो कभी कभी प्रॉब्लम करता है, तो आप भी चेक कर लीजिए अपने रिमोट में, अपने TV में, कि आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें लेफ्ट वाला बटन रुक रहा है तो प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये रुक रहा है। थैंक यू सो मच, बाय।